माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज नाज़िया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में। और आज आप देख रहे हैं कुछ हमारे सेट में भी चेंजेस हैं और आपको हम बहुत सारे चेंजेस इस शो में दिखाएंगे। आज बताने वाले हैं हम आपको ओकेजन क्या होगा। ओकेजन जी, आप हमेशा कुछ इवेंट या ओकेजन के हवाले से हम आते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे होती है और बर्थडे सेलिब्रेशन में हम कपड़े कैसे पहनेंगे। बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सोचना कि कपड़े कैसे होने चाहिए, इवेंट कैसा होना चाहिए, उसमें आउटफिट्स के साथ साथ खाना पीना क्या होना चाहिए, बच्चे बड़े सब लोग आखिर कैसा मेकअप करेंगे। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि बर्थडे इवेंट्स कैसे होते हैं और सबसे ज़्यादा जो बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है बड़े बच्चों की, मतलब हम जैसे बड़े बच्चों की तो की जाती ही जाती है, लेकिन छोटे बच्चे जब सेलिब्रेट करते हैं तो उनके लिए कोई सोच ही नहीं रख रहा होता, कोई बताता ही नहीं है कि कैसे सेलिब्रेशन होनी चाहिए, कैसे इवेंट को मैनेज करना चाहिए। तो आज के शो में हम बात करेंगे बच्चों के आउटफिट्स की, बच्चों के ग्रूमिंग की, बच्चों की बर्थडे की, उनकी सेलिब्रेशन की। तो आप पीछे सेट भी देख लेना, कितना ज़बरदस्त सेट इस वक्त हुआ हुआ है। आज के सेट का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो है सीबो ऑर्गेनाइजेशन का। और आज आपको बताएं कि बच्चों के आउटफिट्स वो हैं नोनो के। नोनो ब्रांड जो है दैट इज़ अ ब्रांड बेसिकली जो बच्चों के जो बहुत ही मज़ेदार और वो प्रिंसेस स्टाइल और उनके जो क्वीन स्टाइल और साथ में फेरी टेल स्टाइल जो आउटफिट्स हैं वो जो है वो उनके बना रहा है। तो जितने भी बच्चे आज आएंगे वो आज तो मॉडल्स हैं हमारे बच्चे, खैर बच्चे मॉडलिंग करेंगे और वो आपको बताएंगे कि कैसे आखिर आउटफिट्स बच्चों को पहनने चाहिए। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं वो आउटफिट्स पहनूंगी, नहीं 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 मैं नहीं पहनूंगी, वो बच्चे पहनेंगे। और बच्चे जो हैं वो कैटवॉक भी करेंगे, लेकिन मेरा जो आउटफिट है आज का वो है गुज़ेल बाय आसमा इमरान। और जितने भी बड़े बच्चे होंगे वो होंगे गुज़ेल बाय आसमा इमरान के, और जो छोटे बच्चे होंगे उनके आउटफिट्स होंगे नोनो के, नोनो द ग्रैंड मदर्स लव। ओहो हो, क्या बात है जी। तो ये आज के शो की पूरी थीम है। तो लेट्स स्टार्ट द शो, और हम स्टार्ट लेंगे अपने मेकअप से कि बच्चों का मेकअप आखिर जो बर्थडेज होती हैं उनमें कैसा होना चाहिए। तो बच्चों के लिए मेकअप, तो आज का मेकअप जो करने वाली हैं वो करेंगी रवेश और परिहान। हमारे साथ हैं स्टार, द सुपर स्टार जो फैसल और मारिया नकवी की बेटी हैं, उनके ऊपर हम मेकअप करके दिखाएंगे। और सेलिब्रेशन हो रही है हमारी एक छोटी सी डॉल की, और डॉल की सेलिब्रेशन जो है मैं आपको भी सरप्राइज दूंगी कि उनकी सेलिब्रेशन क्या है, किस तरह है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वॉक करके दिखाऊंगी आज के मेरे आउटफिट जो है गुज़ेल बाय आसमा इमरान का। सो वॉक स्टार्ट। तो आज का आपने मेरा आउटफिट देखिए, और मेरे जितने भी सेलिब्रिटीज आ जाएंगे वो सारे ही पहनेंगे गुज़ेल बाय आसमा इमरान। हम मेकअप करके दिखाएंगे परिहान का। परिहान आज हमारी है सेलिब्रिटी गेस्ट जो है बेटी फैसल और मारिया नकवी की, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो अभी हमें मेकअप करके दिखाएंगी रेविश ऑन परिहान, और उसके बाद सरप्राइज है वो मैं बाद में बताऊंगी। ऑलराइट, अब हम रेविश के साथ मौजूद हैं। रेविश एक्चुअली रविश है लेकिन हमने उनको रेविश बना दिया है। रेविश कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक ठीक ठाक है। अच्छा, आपके सैलून का नाम ही रेविश है या? मेरे सैलून का नाम है द ब्यूटी रूम बाय रेविश आलम।
ओके, तो हम तो आपको रविश ही, हाँ आप रविश कहते हैं, ठीक है, बस आज से जो है ये रविश हैं और आप इनको रविश भी कह सकते हैं। और ये दिखाएंगी आज मेकअप परिहान पर, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशंस होती हैं, लोग ये समझते हैं कि बच्चों पे मेकअप नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ भाई बच्चों पे थोड़ा बहुत मेकअप ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो शादी पर जाएँ, चाहे वो किसी भी ओकेजन पर जाएँ, इट रियली डजेंट मैटर, क्योंकि आजकल की प्रोडक्ट्स ऐसी आ गई हैं कि बच्चों की स्किन ख़राब नहीं होती। अगर आप उनको प्रॉपर क्लेंजिंग कर देंगे तो उसके बाद उनकी स्किन बिल्कुल सही रहेगी। हम भी वो बच्चे हैं जो बचपन से मेकअप करते आ रहे हैं और हमारी स्किन अल्लाह का शुक्र है बची हुई है, तो यू हैव टू डू प्रॉपर क्लेंजिंग। तो आप फर्स्ट रविश क्या इनके ऊपर दिखाएंगे? अच्छा, मैं जस्ट इनको हल्का सा पैम्पर करूंगी, लाइक इनको मैं मॉइस्चराइज करूंगी स्किन को, क्योंकि बहुत बेबी टाइप फेस है, बहुत क्यूट सा है, जो जो बेबी बेबी का बेबी फेस नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ, बेबी टाइप फेस है, तो हम जैसे मेच्योर लुक्स पे करते हैं तो हम वो वाला लुक नहीं देंगे हम, ताकि इनकी मासूमियत भी रहे और ये सॉफ्ट और प्यारी नजर है, ऐसा नहीं लगे कि ये मूड होके जस्ट पार्टी में आ गई। ऑलराइट, चलिए बताएं फर्स्ट हम इनका क्या करेंगे। बाल तो बहुत अच्छे बनाए हैं आपने, थैंक यू सो मच। अच्छा, जस्ट मैं इनको हल्का सा मॉइस्चराइज करूंगी, ठीक है, ताकि जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाए, वो ना हो। हाँ, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि माएँ जो हैं वो बच्चों के पीछे भाग रही होती हैं उनको क्रीम लगाने के लिए, और वो बच्चे जो हैं वो भाग रहे होते हैं क्रीम नहीं लगाते हैं। तो प्लीज़ बच्चों से गुजारिश है, बच्चे जितने बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं शो में, प्लीज़ मामा के हाथ से क्रीम लगा लिए, अगर मामा के हाथ से नहीं लगाए तो खुद आप सीख ले कैसे क्रीम लगानी है। बिल्कुल, हाँ जी। सेकेंड, अच्छा सेकेंड स्टेप है कि मैं इनको कॉम्पैक्ट कर रही हूँ, लाइट सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, एंड नो फाउंडेशन, नो बेस एट ऑल, ठीक है बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों के मैंने देखा उनके हल्के बहुत ज़्यादा आते हैं, अगर उनके हल्के ज़्यादा हो तो फिर वो क्या? अच्छा, उनके लिए हम एक स्टिक कंसीलर यूज़ करते हैं ऑरेंज, वैसे आप करके इनको दिखा दें, इनको मैं दिखा देती हूँ, इनको ज़रूरत नहीं है, इनको ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम जिन बच्चों के हल्के ज़रा से होते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा माँ की स्किन बिल्कुल नीट होती है, सिर्फ हल्के से ऊपर ऊपर लिखिएगा डैपिंग करेंगे। अच्छा, एंड दिस इज फाउंडेशन, ये दिस इज जस्ट अ कंसीलर, दिस इज अ कंसीलर, ये फाउंडेशन नहीं है, सिर्फ कंसीलर, वो भी क्रीमी कंसीलर उन्होंने लिया है, और उसको सॉफ्ट सा जो है वो आंखों के नीचे बिल्कुल घिसीट घिसीट कर नहीं लगाना कि इसके बच्चे के बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाएं, तो हमें सिर्फ कुछ सॉफ्टली इसको डैप करना है, खाली है ना? बिल्कुल सही है। देन व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? और फिर उसके, अच्छा कंसीलर के बाद फिर हम कॉम्पैक्ट लगाएंगे, कंसीलर के बाद हम कॉम्पैक्ट लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्किन मॉइस्चराइज हो चुकी है तो इस पर अच्छे से जो है ना स्टिक हो जाएगा। ऑलराइट, अभी परिहान पे इन्होंने लगाया है बेस, ठीक है बेस, देन हल्का सा मैं इनके ब्लश ऑन यूज करूंगी। अच्छा, ब्लश ऑन मैंने देखा थोड़ा शिमरी सा ले रही है ना? हाँ, मैं थोड़ा शिमरी ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा गर्लिश लुक है ना, तो उसके साथ शिमर भी हल्का शिमर भी अच्छा, बच्चों को बहुत पसंद होता है, ऑलरेडी शिमर भी अच्छा हो जाएगा, जो हाइलाइटिंग होगी उसमें भी शिमरी आ जाएगा, तो बच्चे का क्यूट सा एक शिमरी सा एक लुक जो है ना वो अच्छा लगता है। अच्छा, ये मैं बता दूं सारे लोग जो देख रहे हैं, जब हम मैट लुक देते हैं ना तो वो बिल्कुल आपका ना एक एक आपका कैसे कहते हैं हार्श लुक, हार्श लुक आ जाता है, शार्प लुक, शार्प लुक आता है, जैसे ही आप उसे जो है वो थोड़ा सा शिमरी कर देते तो वो क्यूटर लुक हो जाता है। परिहान है ही बहुत क्यूट माशाल्लाह से, लेकिन उनको ज़रा सा एक वो होता है ना कि एक तस्वीरें भी खींचनी है, थोड़ा सोशल मीडिया में भी आना है, और बच्चे जो है वो सब साथ एक एक डिफरेंट लुक देने के लिए भी कि हाँ ये बच्चा जो ज़रा सा एक अपना पूरा अच्छे तरीके से तैयार होकर आया हुआ है। सो आज वैसे माएँ देखकर कह रही हूँ कि हमारे बच्चों को आप जो है अब मेकअप भी सिखा रहे हैं, तो जी बच्चों को हम चाहते हैं बच्चे भी ग्रूम्ड हों, बच्चे भी प्यारे लगें, और बच्चों का लुक भी अच्छा होना चाहिए। अब आप क्या लगाने? अच्छा, मैं अब इनकी आईज की तरफ आ रही हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा हैवी मुझे उनके फेस पे नहीं चाहिए, वरना वो बहुत ओवर हो जाएगा। अच्छा, अगर बच्चे के थोड़े से हमें जॉ लाइन बनानी हो तो फिर क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे ये चबी चीक्स हैं, तो से एक इसको कॉन्टोर करके दिखा जो है हम कॉन्टोर मच, बट जॉ लाइन पे कॉन्टोर होनी चाहिए। जॉ लाइन पे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ करेंगे तो वो वैसे ही हार्ड हार्ड लुक लिया, हमें कोई आंटी नहीं बनाना है बच्चे को। तो ये अभी आप इनके हल्की सी जॉ लाइन बन जाए ना, तो ये कि अगेन फिर हम पिक्चर्स की बात करते हैं, हम इतना सोशल मीडिया पे, बच्चे भी आजकल जो है वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया में उनकी जब बर्थडे सेलिब्रेट हो रही हो तो ज़रा उनका लुक आए, उनका लगे कि कैसे वो लग रहे हैं, साथ में बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू लुक गुड। तो ये नाज़िया, मैं इनकी आईज पे बेस कलर जस्ट लाइट, बिल्कुल लाइट। अच्छा, इनको लाइनर आपने पहले का लगा दिया? लाइनर मैंने लगा दिया है, बच्चों का लाइनर लगाना ऑन एयर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने पहले लगा दिया, आईज लोस कीजिए। तो लाइनर के ऊपर ही आप हल्का, हाँ ये पिंकिश साइड कलर लाइनर मैंने इसलिए भी पहले अप्लाई कर दिया कि क्योंकि कुछ बेस अप्लाई नहीं कर ली हमें इनके फेस पे, तो वो पहले कर सकते हैं, ठीक है। लाइनर वैसे लगेगा जैसे बड़ों का लाइनर होता है, पर डिपेंड करता है कि आपकी आँख अगर छोटी है
तो बच्चे की तो थोड़ा सा पतला लाइनर लगा दें, लेकिन लाइनर ज़रूर लगाएं, क्योंकि होता यह है कि आपके जो है और कुछ हम मेकअप कर नहीं रहे, तो एक स्ट्रेंथ हमें कहीं ना कहीं चाहिए होती है, एंड दैट इज़ लाइनर। और इसके बाद हम क्या देंगे इनको? इसके बाद में हल्का सा बिल्कुल लाइट ग्लिटर यूज़ करूँगी, जो कि इनकी फ्रॉक से मैचिंग आइस लॉस करना। ऑलराइट, ठीक है। अब इसके बाद इसके ऊपर आएगा ग्लिटर। ग्लिटर, ग्लिटर बच्चों का, बच्चे कुछ कहते हैं हमें ग्लिटर चाहिए। अच्छा, हाइलाइटिंग करेंगे आप थोड़ी सी और या नहीं? मैं करूँगी, इन दी एंड मैं फिनिशिंग टच दूंगी, तो इनकी हाइलाइटिंग करेंगे। एंड यू आर यूजिंग ब्लू ग्लिटर। ओह क्यूट, परिहान तो एक्साइटेड होगी होगी कि अब ग्लिटर लगने वाला है। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इस बात से जब ग्लिटर लग रहा होता है, उनको होता है कि हमें सबसे ज़्यादा जो उनकी डिमांड होती है बच्चों की, वो कहते हैं हमें ग्लिटर चाहिए और हमें जो है हाइलाइटिंग थोड़ी सी चाहिए। अब जो है, अच्छा अब हम इनके ग्लॉसिंग करेंगे, लिप ग्लॉस। ठीक है, थोड़ी सी हाइलाइटिंग बता दें किससे करेंगे आप? अच्छा, मैं हाइलाइटर इनको इनकी चीक बोन पर ही अप्लाई करूंगी। बच्चों को जरा ज्यादा हाईलाइट पसंद होता है, तो इनको जरा ज्यादा हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि हाईलाइट जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो ज्यादा होना चाहिए। एंड विद एम्प्टी ब्रश मैं जस्ट उनके फेस पर, फेस पर भी हल्का सा, हाँ, तो ये ऑल ओवर द फेस ना हल्का सा शिमर हो जाता है। ठीक है, अब इनका लिप ग्लॉस पिंकिश सा, पिंकिश, और उस पर फिर मैं न्यूड वो दूंगी ताकि बहुत शार्प लुक, शार्प लुक नहीं, जस्ट अ बेस कलर। दिस इज इंटरेस्टिंग। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, मैं बचपन में बहुत एक्साइटेड होती थी, मुझे अपने बर्थडे का आउटफिट, मुझे अपने बर्थडे का लुक, मुझे बहुत होता था मुझे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब पूरे 10 दिन पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती थी बर्थडे की। तो बाज़ लोग इस फीलिंग को समझते नहीं हैं, तो क्योंकि मैं खुद बचपन में अपनी इन फीलिंग्स को आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, और आज मैं ये पूरा शो उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जो मेरी तरह बचपन में सोचते थे कि हमें अपनी बर्थडे द बेस्ट सेलिब्रेट करनी है। आई वॉज अ वेरी बर्थडे वाला पर्सन, हर साल मेरी बर्थडे ज़रूर मनानी चाहिए। हम तीन बहन भाई तो ज़रूर एक साथ मनाते थे, और अम्मी हमारे बड़े मज़े से हमारी बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, तो गेस्ट लिस्ट होती थी, खाना होता था, सब मेन्यू वेन्यू हमारे साथ मिलकर डिसाइड होता था। इवन दो आई रिमेंबर कि मैं सिर्फ 5 या 6 साल की होंगी, तब से जो है ना पार्टिसिपेट साथ साथ करती थी मैं हर चीज़ के। अच्छा, ये इनका लाइट सा मैं इनको मस्कारा देंगे, ठीक है, वेरी सॉफ्ट, आईज ओपन रखो, क्योंकि बहुत सॉफ्ट देना है, इसलिए आईज ओपन के साथ ही सिर्फ एक आपने टिप्स पे दे दिया। दैट इज इट, इतना सा लुक, कोई स्किन डैमेज नहीं होगी इससे, कुछ नहीं होगा, ओकेजन ख़त्म होगा। हमारे घर पे जितनी भी मदर्स देख रही हैं, फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना बच्चे के फेस पे क्लेंजिंग करेंगे, एंड दैट इज़ इट, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज रविश आपने बहुत अच्छा मेकअप किया, थैंक यू सो मच, शी इज़ लुकिंग लवली। और इसके बाद जो सरप्राइज़ है वो है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सेलिब्रिटी हैं, दैट इज़ शेफ़ समिया, उनकी बेटी सिमल की आज बर्थडे सेलिब्रेशन है, और बहुत ही मज़े से बर्थडे सेलिब्रेशन होगी। मैं पूरे सेट के बारे में बताऊंगी, मैं आज जो खाना पीना होगा उसके हवाले से बताऊंगी, और हम बहुत सारी आज बर्थडे के हवाले से बातें करेंगे, और नोनो जो डिज़ाइनर वेयर है जो बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन करें बहुत ज़बरदस्त आउटफिट्स, उनके हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, बर्थडे सेलिब्रेशन में मेकअप के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका सेट डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके आउटफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके साथ खाना पीना भी। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे सेट डिज़ाइनिंग एंड आउटफिट्स। तो हमारे साथ आज मौजूद है मेहमान, सबसे पहले मेरे लेफ्ट साइड पर है, मैं इनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी। हमारे साथ है फरहाना, नोनो ब्रांड ये ओन करती हैं। क्या हाल है फरहाना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू नाज़िया फॉर कॉलिंग अस। भाई आपके आउटफिट्स मैं तो देख, जैसे मैंने देखे ना मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने कहा ये बच्चों को पता होना चाहिए, उनकी माओ को पता होना चाहिए कि एक ऐसा ब्रांड है मार्केट में जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है, बहुत अच्छे आउटफिट बना रहा है। सो नोनो लवली, थैंक यू। सो दैट्स ग्रैंडमा लव, क्या है ग्रैंड माँ की जो मोहब्बत है वो तो ना भूलने वाली है। एक तो हमारी सुन्नत है, नाना दादी की मोहब्बत जो होती है वो ख़त्म नहीं होती है, बेटी के बच्चों से, बेटों के बच्चों से ऑलरेडी बहुत मोहब्बत होती है,
तो मेरी जो नवासी हैं समिया की बेटी, वो मुझे बचपन से हम बहुत नानी नानो कुछ कहलवाते थे, लेकिन वो जो थी वो शुरू से ही वो नोनो लव्स कहती थी और स्टिल शी इज टेलिंग मी नोनो। तो मैंने फिर सोचा कि जब मैं अपना ब्रांड ही ला रही हूँ बच्चों के लिए, ये ब्रांड हमारा 1 to 12 ईयर्स के बच्चों के लिए है। और सबसे जो वजह है इस चीज़ को लाने की कि हमारे यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, लेकिन जो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे समटाइम्स वो थोड़े प्लम होते हैं, कुछ बहुत स्किनी होते हैं, कुछ टॉल होते हैं, लेकिन मसला यहाँ आता है कि अगर हम बच्चे के लिए अगर उनकी एज के हिसाब से लेते हैं तो वो कभी उनको नॉन फिट हो जाती है उनको वो ड्रेसेस। तो हम जो हैं, मेरा ब्रांड जो है वो हमारी टीम है उसके साथ काम करती है, हम बाकायदा बच्चों के हिसाब से उनका मेजरमेंट लेकर और मेड टू ऑर्डर हो जाता है, मेड टू ऑर्डर, ये हमारी स्पेशलिटी है। आपकी चॉइस डिपेंड ऑन योर चॉइस कि क्या कलर है, हमने अगर ब्लू कलर आपको डिस्प्ले किया, इफ़ यू वांट टू रेड कलर सो वो चीज़ आपको रेड कलर में अवेल होगी। सो नॉट ओनली द वेस्टर्न डिजाइनिंग बट द ईस्टर्न एज़ वेल। ठीक है, हम ईस्टर्न कपड़े भी दिखाएंगे आपको और वेस्टर्न भी। हमारे आज के शो में मौजूद होंगे हमारे साथ सबीन है, सास इनके ब्रांड का नाम है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? फाइन, आप कैसी हैं नासिया? बिल्कुल ठीक ठाक। और सास के साथ ही हमारे साथ द वन एंड ओनली शेफ समिया, जिनकी बेटी की आज बर्थडे सेलिब्रेट होगी, और फरहाना, ये फरहाना की बेटी भी हैं। और आपको ये बताएं कि समिया जो है, अब मुझे आज अंदाज़ा हुआ ये इतनी क्रिएटिविटी और इतना अच्छा टैलेंट जो है वो समिया में कैसे आया, थ्रू मदर एक्चुअली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्ले इंटरटेनमेंट आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया और इतना ज़बरदस्त तरीके से जो है वो वार्म वेलकम किया, हमें इतना अच्छा ट्रीट किया, आपका बहुत शुक्रिया, आपके शो का बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। एनी टाइम, सीबो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हमारी आज शो के लिए नहीं बल्कि और बहुत सारे शोज के लिए काम करती रहती है, लेकिन हमने कहा कि सीबो ऑर्गेनाइजेशन को हमें थोड़ा सा जो है दिखाना भी चाहिए, जो उनके वेंडर्स हैं, जो उनके काम करने वाले, जो उनके इवेंट प्लानर्स हैं, उनको अब ऑन द स्क्रीन भी लाना चाहिए क्योंकि इतना काम कर रहे होते हैं। तो सबीन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके पूरे सेट के हवाले से थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। इट्स सो लवली, ये इतना दिमाग कहाँ से आता है? हमारे पास इतना दिमाग नहीं होता इतना दिमाग कहाँ से आ जाता है? ये बेसिकली जो है हम लोग पहले जब हमारा जो क्लाइंट है तो उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, इन दैट सेंस कि हम उससे सिर्फ ये नहीं कहते कि आपका बजट कितना है या आप कितने में हमें करके दोगे, हम जो है उनको कॉल करते हैं, फिर एक मीटअप रखते हैं, फिर उनसे थीम, ऑब्वियसली फर्स्ट बर्थडे होती है तो यूजुअली फर्स्ट बर्थडे होती है जो बहुत ग्रैंडली सेलिब्रेट की जाती है, तो ये है कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन बहुत है। तीन चार बर्थडे बच्चों की जो है ना वो ग्रैंडली नहीं, माशाल्लाह ये तो कुछ बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। एंड दिस इज द मेरे बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने हमेशा अपनी बर्थडे को बड़ा इंजॉय किया है, लेकिन इस तरह की थीम में नहीं कि आई विश मैं इस तरह की थीम में भी अब करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। तो हम थोड़ा थीमेटिक करते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, बात करते हैं, फिर जो उनकी थीम होती है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम माइनर डिटेल से लेकर मेजर डिटेल्स तक हर काम उनको शो करते हैं। पेनाफ्लिक्स की डिज़ाइनिंग है, गार्लैंड है, बलून जो इसमें आपको एसेसरीज नज़र आ रही हैं, तो वो सब माइनर डिटेल्स, फोटो फ्रेम, सिलेंडर्स, प्लिंस, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है टेबल आप उसके अकॉर्डिंगली हम ईच एंड एवरीथिंग उनको प्रोवाइड करते हैं। आई एम इन लव, आपने जो बर्थडे थीम दी है इसको मुझे याद नहीं आ रहा है, फ्लेमिंगो, 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 फ्लेमिंगो के साथ आपने पूरा जो बैकग्राउंड है, पूरे आपने इसके बलून्स थीम, मतलब बिल्कुल इसके हिसाब से थी। अच्छा, आपने जो जिमल का आउटफिट भी किया है वो भी आपने फ्लेमिंगो के हिसाब से ही पूरा आज बनाया? नॉट उसमें फ्लेमिंगो को उनको हमने वो किया, कलर जो है कलर जो है उसकी चूज किया है। अदरवाइज फ्लेमिंगो बनकर तो नहीं आएगी ना वो? नहीं नहीं, उनके फ्लेमिंगो ड्रेसेस भी बने हैं और उनका बाकायदा स्विमिंग पूल में इसकी जो है वो किया है, और उनकी जो ट्यूब है वो भी फ्लेमिंगो और उसके अंदर उनका किया, लेकिन आज जो है वो जाहिर है ओकेजन के हिसाब से स्विमिंग पूल भी ला सकते थे, लेकिन इट लुक्स नाइस कि आप वही कलर मैचिंग जो है वो आउटफिट की भी दे। बिल्कुल, वो एक अच्छा लगता है पूरा थ्रू आउट जब मैं भी थोड़ी बहुत फ्लेमिंगो लगती हूं। यस, यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। अच्छा, अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड के एक्चुअली आई एम अ न्यू इवेंट प्लानर, 2 years बैक आई स्टार्टेड माय करियर, बट द थिंग इज सामिया इज माय बैकबोन, द सीबो ऑर्गेनाइजेशन, एंड शी रियली गिव्स मी अ वेरी वंडरफुल प्लेटफॉर्म थ्रू योर चैनल दैट इज प्ले टीवी। बाय प्रोफेशन आई एम अ लेक्चरर, बट दिस इज माय, यू कैन से पैशन टू डेकोर द थिंग्स।
इट्स ऑल गुड. आजकल के दौर में एक काम नहीं करें, हम हमेशा कहते हैं एक दो काम, एक आपकी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए भी जरूरी होता है. तो मुझे लगता है ये डेकोर करके मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर. सो ट्रू, सो ट्रू. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अभी शो में हमारे बहुत कुछ है, अभी तो बच्चों की वॉक भी आएगी, पता नहीं कितना कुछ है शो में. तो हम बात करेंगे अब थोड़ा सा और सेलिब्रेशन के हवाले से. हमारे साथ केटर्स हैं और साथ में केक है जिन्होंने बनाया, उनसे भी हम बात करते हैं. एंड देन वील स्टार्ट आवर सेलिब्रेशन. स्टे विद अस. ऑलराइट जी, अब जो है ये मैं देख रही थी ये फ्लेमिंगो कहाँ से आ गए. ये फ्लेमिंगो आए हैं, हिना लेकर आई हैं इस फ्लेमिंगो को. अस्सलाम वालेकुम हिना, हाउ आर यू? कैसी हैं? हिना जो है वो केक्स बनाती हैं और बहुत अच्छी कन्फेक्शनरीज जो है ये डिज़ाइन करती हैं. और माशाल्लाह से दिस इज़ लाइक ब्यूटीफुल. पूरा इनका जो एक लुक दिया है, जो थीम के हिसाब से केक आया है, लोग सोच भी नहीं रहे होंगे ये केक, लोग सोच रहे डेकोरेशन पीस है. भाई ये केक है एक्चुअली. किसी को पता था यहाँ पे डेकोरेशन पीस है केक है? नहीं पता था ना, है ना? आज हमने बता दिया. तो इतने इतने प्यारे प्यारे केक्स आप बनाती हैं, इस पर बात करेंगे. और जो पूरी जो कहते हैं ना कि आपका बेस होता है वो होता है खाने पीने पे. जब आप बर्थडेज में खाना पीना क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं समीना जी हैं और साथ ही उरूज हैं. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, उरूज का ब्रांड कौन सा है? द सीक्रेट स्पाइसेस माय ब्रांड. द सीक्रेट स्पाइसेस इनका ब्रांड है. और आपका? स्वीट टेल. स्वीट टेल. अच्छा, सीक्रेट स्पाइसेस और स्वीट टेल जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लेकिन ये कि ये आपको जो है आपकी थीम पूरा ये बताएंगे कि किस तरह से एक्चुअली खाना पीना होना चाहिए. सबसे पहले मैं केक्स पे आऊँगी. केक्स के लिए आप क्या कैसे डिज़ाइन करते हो? मैंने आपको बस पिक्चर दे दिया, बना दोगे केक क्या? जी, लेकिन इस तरह के जो 3D केक्स होते हैं इनके लिए प्रॉपर स्टैंड बनता है पूरा. फिर उसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं सारे. मतलब ये पूरा नीचे से ऊपर तक स्टैंड है, उसके ऊपर काटेंगे कैसे? इसको हम ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे या ऐसे काटेंगे? तो यहाँ से काटेंगे, यहीं से काटेंगे. ये गिर नहीं जाएगा? नहीं, इसके अंदर बेस इतनी हमने स्टेबल लगाई है कि ये गिरे नहीं, क्योंकि ये ट्रैवल कर रहा होता है. तो ट्रैवल करने के लिए भी हमें इतनी स्ट्रॉन्ग बेस इसको रखनी होती है कि ये खराब ना हो जाए. तो कुछ हो जाएगा तो केक जो है वो इंशाल्लाह स्टेबल रहेगा, कोई मसला नहीं होगा. ठीक है, जब जिमल केक काटेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये कितनी इससे स्ट्रेंथ है. अगर मैं आपको कोई भी थीम दे दूँ, लाइक अगर मैं हनी बी की दे दूँ या मैं आपको जो है थीम दे दूँ किस बटरफ्लाई की दे दूँ, सब बन जाएंगे? एब्सोल्युटली. इवन कोई करेक्टर बच्चे मांगते होते हैं ना कि बार्बी की एक कोई करेक्टर हो कुछ हो, तो वो भी बन जाता है? अब तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं कि हम केक्स के अंदर मतलब क्रिएटिविटी ला सकते हैं, आराम से कर सकते हैं. क्योंकि अच्छा, बेसिकली मेरा जो ब्रांड है वो हैनेस्टेस्टिक है और मेरा जो वर्क है वो मैं क्रिएटिव हैनेस्टेस्टिक. ऐसा कुछ कर लो ना, थोड़ा सा यूनिक रखना था ना. अच्छा, यूनिक ताकि लोग दोबारा पूछे हैं क्या. हाँ, तो मैं तीन दफा तुमसे पूछा हाँ है क्या. अच्छा जी, आगे बताएं. अच्छा, तो मेरा बेसिकली मोटिव ये है कि मैं कुछ क्रिएटिविटी पे काम करूँ. वैसे मतलब अच्छा, मतलब कोई क्रिएटिव हो, कोई हाँ क्रिएटिविटी हो, और आप मुश्किल से मुश्किल काम भी ले. एब्सोल्युटली. ठीक है, दैट इज़ रियली गुड. एंड व्हाट अबाउट यू? आप खाने में क्या बच्चों को समझते हैं कि उन मुझे बहुत अच्छा लगे, किसका आइडिया है ये वाला? दिस इज़ टू गुड. इट्स स्वीट. दिस इज सच गुड आइडिया. बच्चे ना गिराएंगे नूडल्स ना कुछ, आप सोच रहे हैं कि इसमें है क्या, इसमें नूडल्स हैं. और साथ में नूडल्स के साथ साथ इसमें जो है आप वो देखेंगे नगेट्स. इट्स अ वेरी गुड आइडिया. बच्चे गिराएंगे नहीं. कितने बच्चे आपके घर में हैं जो जो है गिराते रहते, तो आप उसी की वजह से आपने ये बनाया? एक्चुअली मेरा थोड़ा सा जो काम है वो ये कि मैं एज अ मॉन्ट्री टीचर भी काम कर चुकी हूँ. ओके. तो मुझे ये वाली जो हैंडलिंग है ये मैं जब से ही अपने यहाँ, और मेरे अब तो बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरा ये होता है कि सिंगल सर्विंग में भी बच्चे हैंडलिंग ऐसी रखे हैं बच्चों के लिए कि वो गिराए ना. ऑल राइट, ये हुई ना बात के. और जब और आपने जो है ये बनाए हैं जो ये होममेड है? होममेड है. ठीक है, अब आप दोनों बताएंगे कि रेसिपीज़ क्या क्या होनी चाहिए बर्थडे पे. बच्चों के लिए स्पेशल डे होता है तो उन्हीं की स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए. जैसे कि मेरे पास पूरा किड्स मेन्यू है, नगेट्स हैं, मिनी पिज़्ज़ाज हैं, मिनी बर्गर्स हैं, और जैसे मैंने स्माइलीज बनाए हैं. ये मतलब बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत लाइट फ्लेवर्स में. हाँ, लाइट फ्लेवर. जो कितने लोगों के लिए आप केटरिंग कर सकती हैं? अच्छा खासा ऑर्डर मैं हैंडल कर लेती हूँ. अच्छा खासा ऑर्डर हैंडल कर लेती हैं. ये बड़ा ये ज़बरदस्त जवाब हो गया. और आप ये बताएं कि क्या क्या मेन्यूज होने चाहिए. आई लव योर दिस. इसका जो आपने बच्चों के लिए, तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा स्पाइसी ना हो ताकि बच्चे आराम से खाएँ, क्योंकि फिर बच्चे खा नहीं सकते. तो थोड़ा स्पाइस को कंट्रोल कर लेते हैं. और मैं थोड़ा सा इसी चीज़ पे वर्क करती हूँ. तो जैसे स्पेगेटी है, इसी तरह के मिनी बर्गर्स हो गए, मिनी पिज़्ज़ाज़ हो गए,
ये सारी चीज़ें हम अपने बर्थडेज में अरेंज कर सकते हैं। सैंडविचेस होते हैं जो वन बाइट कर सकते हैं, या समोसास कह सकते हैं, वन बाइट होते हैं, ताकि बच्चे आराम से लें और उसको खा सकते हैं। ऑलराइट जी, तो आज की सेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो हम जो है मैजिक से बुलाएंगे अपने पूरे गेस्ट को, और साथ में जो है ज़िमल होंगी, समिया होंगी, फैसल नकवी होंगे और मारिया नकवी भी, और साथ में परिहान। All right, thank you so much for being here. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। I want to add something. I'm very grateful to SIBO and its team because they have provided us such a huge platform for being here and it's a privilege for us. Thank you so much. Thank you so much, SIBO. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का तशरीफ लाने का, और SIBO सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, ख़वातीन को बहुत बड़ा उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। सो नाउ द पार्टी बिगिंस। सेलिब्रेशन में अब हम जो है यहाँ पर बच्चे भी हमारे साथ हैं जिन्होंने नोनो के आउटफिट्स पहने हुए हैं, और साथ ही ज़िमल जो हीरोइन बनी हुई है इस वक्त बिल्कुल ही, और सबसे ग्रैंड इन्होंने जो है लुक दिया हुआ है। तो ज़िमल की आज बर्थडे सेलिब्रेट होगी, मेरे साथ फैसल नकवी, मारिया नकवी दोनों हैं, लेकिन मैं पहले फैसल और मारिया से पूछूंगी। ये भी परिहान और साथ में मिकाइल की बड़ी ज़बरदस्त बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बताएं कि आप लोग बर्थडे में क्या क्या आप लोग की सोच होती है, कैसे आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, खुद क्या पहनते हैं, मेकअप क्या होता है, सब चीज़ें बताएं। सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों को जो लोग ये शो देख रहे हैं उनको बताता चलूं, नाज़िया के जो बचपन के सारे अरमान थे जो रह गए थे वो इन शोज के जरिए वो अपने सारे अरमान निकाल रही होती है, इस तरह की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो बच्चों के हवाले से। जो मैं कहता हूँ सबसे पहले तो ज़िमल को बहुत सारा हैप्पी बर्थडे। ज़िमल आज आप परी लग रही हैं बिल्कुल। और जहाँ तक बर्थडे का सवाल है तो सारे माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करें, और मुझे लगता है कि फर्स्ट बर्थडे में बच्चे को खुद ही इतना होश नहीं होता। हमने जैसे फर्स्ट बर्थडे में तुम परिहान के आई थी, ज़िमल के आप लोग आए थे, हाँ, लेकिन जो जैसे जैसे बच्चा 4-5 साल का होता है वो समझदार हो चुका, उस वक्त वो फिर चाहता है, लेकिन अब कोविड की वजह से सारी चीज़ें बड़ी श्रिंक हो गई हैं। तो सारे लोगों को चाहिए कि ये नहीं कहते कि बर्थडे ना सेलिब्रेट करें, बिल्कुल सेलिब्रेट करनी चाहिए, लेकिन उसको थोड़े छोटे पैमाने पे कर लें, अपने क्लोज फ्रेंड्स को बुला लें, अपनी फैमिली के साथ आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, बड़ा खूबसूरत स्क्वीज डाउन कर लें। जी हाँ, सिर्फ ये हो जाए कि फैमिली, इमीडिएट फैमिली आपकी हो जाए, और उसमें ये भी हो सकता है कि सिर्फ आप बच्चों का केक काट लें विद नाइस डेकोरेशन, इवेंट, अच्छा खाने वाने के साथ। नाज़िया ये एक ऐसे मोमेंट्स होते हैं ये हमेशा यादगार रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और अपनी पिक्चर्स देखते हैं, अपने वीडियोस देखते हैं, तो उनको याद आता है। कौन अभी भी अपनी जो है पिक्चर्स देखता है आप लोगों में? जमा करके रखना और इनके वीडियोस को जमा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी मोबाइल स्नैच हो गया या खो गया, खराब हो गया कुछ, तो अब हमने सोचा कि इनका एक इंस्टाग्राम पेज बना लेंगे और सारी वीडियो, सारी जितनी भी इनकी पिक्चर्स होंगी हम उसमें डालेंगे, परिहान का पेज भी इंस्टाग्राम का और मिकाइल का भी, ताकि वो सारी जब तक ये बड़े हो जाएंगे इनका इंस्टाग्राम पे सारा चीजें स्टोर होंगी, छोटे छोटे वीडियोस होंगे, पिक्चर्स होंगी, और वो एक यादगार होती है फर्स्ट बर्थडे से लेके। लेकिन एक चीज है, पासवर्ड नहीं भूलिएगा। नहीं वो तो ये इन्होंने डायरी बनाई नहीं, इन्होंने मेरे भी सारे पासवर्ड, नहीं वो डायरी भी रखो भाई, कामों के लिए मुंशी मैं बनी रहती हूं, मुंशी है हमारे घर की, इनको सबके पासवर्ड पता होते हैं बस। सही, अच्छा आपकी कोई मेमोरीज हो बर्थडे की, कोई याद है मारिया? या मैं तो कहती हूँ, मैं अपने बच्चों के बर्थडे के लिए मैं ये कहती हूँ कि लोग फर्स्ट बर्थडे को ज़्यादा फोकस करते हैं कि ना वो करनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ थोड़े से बड़े हो जाए तो और करनी चाहिए, ताकि उसको ज़्यादा स्पेशल बनाए। अगर मुझे याद होता तो मैं ज़रूर वो पिक्चर्स लेकर आता और शेयर करता आप सब लोगों को, क्योंकि वो जो फर्स्ट बर्थडे हमने परिहान का किया था वो परिहान का बर्थडे नहीं लग रहा, लग रहा मारिया ने अपनी दोस्तों को बुला के पार्टी रख ली है, इनकी सारी दोस्तें आई हुई थी और जिस तरीके से नाच गाना हो रहा था सेलिब्रेट की थी कि बस आज भी ये वही सेलिब्रेशन होगी, लेट्स कट द केक, और उसके बाद फिर हम सबकी भी वॉक होगी, हम बड़े भी वॉक करेंगे, बच्चे भी वॉक करेंगे। परिहान का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन बर्थडे का केक समिया ने बनाया, और आज का केक मिकाइल का भी केक फर्स्ट मिकाइल ने बनाया, क्योंकि ये लोग पप्पो कहते हैं
तो ये कहती है कि नहीं केक तो मेरी तरफ से ही आएगा गिफ्ट में। ये तो यहाँ पे हमारे बच्चों से इनके रिलेशन अलग है। सनिया पोपो है और इनके जो हस्बैंड है वो चाचू है। वो चाचू हाँ, वो चाचू है और ये पुप्पो है, तो हमेशा समिया इन लोग का केक बना जबरदस्त। अब हम ऐसा करते केक कटेंगे जानवर तो छुरी मैंने अपने हाथ में रख ली थी कि आज जमल की फर्स्ट बर्थडे पे सब लोग आज जमल की क्लैपिंग कर रही है और जोर से कर रही है। आप लोग क्लैपिंग नहीं कर रहे हैं, जोर से आवाज आनी चाहिए। 2 3 हैप्पी बर्थडे। Alright, celebration जारी है और celebration में अब होगी बच्चों की walk और हंगामा और fun और हम आपसे लेंगे फिर इजाजत भी। stay with us। और बच्चों के साथ साथ नाजिया की walk जरूरी है क्योंकि नाजिया ने भी आज designer wear किया हुआ है, तो जरूरी है नाजिया की walk भी होनी है।